शाहपुर पुलिस ने फरार 15,000 के इनामी बदमाश मुजम्मिल शेख को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक और मोबाइल मिला है। गौरतलब है कि शातिर मुजम्मिल पर पहले से ही आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बदमाश की गिरफ्तारी से शाहपुर और सजनमा थाना क्षेत्र के दो मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, शाहपुर थानेदार सुधीर सिंह ने अपनी पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर कौवाबाग अंडरपास से शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वही मामले का खुलासा करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आया बदमाश काफ़ी शातिर किस्म का है। पुलिस ने शातिर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 15,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन पिछले 2 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। हालांकि क्राइम ब्रांच और शाहपुर पुलिस की मुस्तैदी से शातिर बदमाश मुजम्मिल को चोरी की एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने कहा, आप लोग नहीं, एक मतलब चोरी की मोटरसाइकिल। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद में जो वांछित इनामिया हैं उस पर क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी के क्रम में एसपी सिटी साहब के आदेशानुसार एक शातिर अपराधी जो कि तुकमानपुर थाना राजघाट अंतर्गत रहने वाला है, मुजम्मिल नाम है, इसके ऊपर 2018 से वांछित चल रहा था सजनवा थाने से लूट और चोरी के मुकदमे में। इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी था और इसी की कल गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने शाहपुर पे इसे रात में चेकिंग के दौरान एक चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। अन्य आपराधिक साथियों की और आपराधिक घटनाओं की पूछताछ भी इसके साथ अभी की जा रही है। गौरतलब है कि तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे इसके खिलाफ हैं। थाना राजघाट से भी वांछित था और थाना सजनवा से भी वांछित था।